विदिशा शहर अंतर्गत आने वाले वार्ड नंबर 1 जत्रापुरा शिवशक्ति पेपर मिल के पास दाऊदपुरा में स्थानीय लोगों की शिकायत है कि ईंट भट्टों के ठेकेदारों द्वारा गुंडागर्दी के दम पर बेतवा नदी को अवैध रूप से खोदा जा रहा है, जिससे बेतवा नदी और भी ज्यादा चौड़ी हो गई है। बारिश के मौसम में जब बेतवा नदी उफनाती है तब नदी का पानी लोगों के खेतों तक आ जाता है। बता दें कि बेतवा नदी का घाट पूरी तरह से मिटा दिया गया है, उसकी मिट्टी से ईंटें बनाकर पूरे विदिशा में सप्लाई की जा रही है। साथ ही स्थानीय लोगों का कहना है कि ईंटों की ट्रॉली के आने जाने से रोड पूरी तरह से खराब हो गया है, जिससे बच्चों को स्कूल आने जाने में परेशानी हो रही है, उन्हें कीचड़ में से निकलना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि अगर वे ठेकेदारों से मना करते हैं तो ठेकेदार उन्हें बंदूकें दिखाकर डराते धमकाते हैं। वहीं स्थानीय लोगों द्वारा कहा गया है कि यहां सरकारी जमीन को बिना कोई अनुमति के खोद रहे हैं। वहीं तहसीलदार और कार्यपालिक मजिस्ट्रेट डॉक्टर अमित कुमार सिंह का कहना है कि मामला उनके संज्ञान में आया है, हम स्थानीय निकाय नगर पालिका परिषद और खनिज विभाग से जानकारी प्राप्त करके कार्रवाई करेंगे, अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है तो दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। ब्यूरो चीफ विपुल प्रजापत। करने की जरूरत नहीं है। क्या नाम है बेटा आपका? राघव कुजवा। थोड़ा तेज बोलो। राघव कुजवा। स्कूल कब से नहीं गया बेटा? 3 महीने से। क्यों? रास्ते के मारे रास्ता खराब है। इसलिए खराब है? किस विषय पे रास्ता खराब है? क्यों खराब है बेटा? ट्रैक्टर चल रहा है इसलिए। काय के ट्रैक्टर चल रहा है? ईंटों के। क्या नाम है बेटा? नंदिनी कुशवाहा। नंदिनी कहाँ रहती हैं आप? दादपुरा पे। क्या परेशानी है आज आपको? हमको रास्ते की प्रॉब्लम है कि हम जा नहीं पाते, स्कूल जाते हैं तो कीचड़ होती है इसलिए जा नहीं पाते हम। कौन सी क्लास पढ़ रहे हैं? मैं 12th में हूँ। अच्छा, कब से नहीं गए आप? हम अभी जा ही नहीं पा रहे हैं। हाँ, रास्ता कैसे, क्या खराब हो रहा है? क्या रास्ता ट्रैक्टर की वजह से खराब हो रही है कि ईंटों के ट्रैक्टर जाते हैं इसलिए निकल नहीं पाते उनकी वजह से। हम ये चाहते हैं कलेक्टर साहब से, हमारा निवेदन है कि रास्ता सही की जाए, हमारी सुनवाई की जाए, हम पर ध्यान दिया जाए। रानू खुशबा। क्या परेशानी है? ये सर रास्ते की परेशानी है। हाँ, रास्ते की परेशानी है। ये ईंट भट्टे वाले हैं, ईंटों का ट्रैक्टर चला रहे हैं, इनसे मना करते हैं मानते नहीं हैं, पूरी रास्ता को बेकार कर रखा है। और आप देख सकते हैं ये मंदिर बनवाया था हम लोगों ने, मिलकर ही बनवाया था, यहाँ पे हमारे पापा जी जो शांत हो उन्होंने बनवाया था। तो ये विजय प्रजापति का काम चल रहा है यहाँ पे, तो ये खोदते खोदते यहाँ पे ले आए कि मंदिर गिरने वाला है, मना करते तो मानते नहीं। कौन सा वार्ड लगता है ये? 2 नंबर। इधर के पार्षद साहब, पार्षद भी नहीं सुनते हैं, कपिल साहू ये बिल्कुल नहीं सुनते हैं। बोलते हैं, पहले बोला था उन्होंने रास्ता बनवाएंगे, रास्ता करवाएंगे, लेकिन बिल्कुल कोई अभी तक कुछ हुआ ही नहीं। कोई प्रशासन बिल्कुल ध्यान नहीं देता हम लोगों पे, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, रास्ता बहुत बेकार है, बच्चे अभी तक स्कूल नहीं जा पा रहे हैं पढ़ने के लिए। कितने दिनों से स्कूल नहीं गए बच्चे? बच्चे सर उन्होंने स्कूल का मुंह ही नहीं देखा जब से स्कूल खुले हैं। क्यों? क्योंकि अभी बारिश भी खत्म हुई है और बारिश के अलावा ये लोग मचाते रहते हैं रास्ता को सही होने ही नहीं देते। आप लोगों ने सही करने की कहा था रास्ता, फिर क्या हुआ? सर वो तो लड़ने को तैयार रहते हैं, विवाद तैयार है बिल्कुल, क्योंकि वो पैसा ज़्यादा है साहब, ये ज़मीन खोद खोद के खा रहे हैं, भट्टे लग रहे हैं उनके, एक जने के पास ही दो दो तीन तीन ट्रैक्टर चल रहा है साहब, हम तो गरीब आदमी हैं, हम कैसे लड़ पाएंगे उन्होंने? भट्टे ये विजय प्रजापति है, आगे लखन प्रजापति है, हिम्मत प्रजापति, प्रभु दयाल, बालाराम, महेश प्रजापति, मुकेश प्रजापति, ये हीरा लाल जी, गुड्डू प्रजापति, तन्नू प्रजापति, ये सारे लोगों के और एकजुट होके आते हैं साहब जी। जब इतने जने एकजुट होके आएंगे तो हम इनको क्या करेंगे, कैसे लड़ेंगे साहब? लगभग आप लोगों को कितने ग्राम के लोग होंगे? हम सर बहुत जने रहते हैं यहाँ पे, कितने घर होंगे? मिनिमम होंगे कम से कम 15 या 18-20 घर के समथिंग में है। कितनी जनसंख्या का परिवार होगा? कम से कम 100-150। हाँ, बहुत सामना परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है सर, और कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और पूर्व पार्षद रहे दिनेश कुशवाहा जी, उन्होंने भी हाथ जोड़ के विनती करी है, टंडन जी भी बोलते हैं कि मैं ये पुलिया डलवा दूंगा, लेकिन कभी देखने ही नहीं आते डलवाने का। तो बात ही कहा था विधायक जी, क्या बोल रहे थे? बिल्कुल कहा था विधायक जी से हमने, क्या कह रहे थे विधायक जी ने? बोला कि मैं बोलता हूँ दिनेश जब थे पार्षद जी से कि मैं पुलिया डलवाता हूँ, लेकिन ना आज तक दिनेश आए ना विधायक जी आए। यहाँ पे जो वर्तमान पार्षद, और जब एक दो बार टंडन जी के पास गए भी है ना, तो कहते बैठो पार्षद है कपिल साहू जी, चुनाव के समय में आपके पास आए थे, उसके बाद आपके पास कितनी बार आए? एक बार भी नहीं आया सर, और वो तो जब उनसे हम मिलने जाते हैं ना तो घर में से ही नहीं निकलते। क्या बोलते हैं? कोई नहीं है घर पे? घर पे कोई नहीं है, और पार्षद कपिल साहू जिनको कहते हैं, घर में से ही नहीं निकलते, बात ही नहीं करते। हाँ, मिलने जाओ तो उनके पापा जी अपने कपिल साहू की कसम खा के कहते हैं कि ये पुलिया मैं हार भी जाऊंगा तो भी मैं अपने बच्चे की कसम खा के कहता हूँ मैं अपनी जेब से डलवाऊंगा।
और जीतने के बाद बस कुछ नहीं, आज तक दर्शन ही नहीं होते उनके, बस आने जाने में कर लो तो कर लो। ओके, क्या नाम है? मीना कुशवा। कहाँ से हैं? दादपुरा। क्या परेशानी है? हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, ये रास्ता खराब हो रही है भट्टे वाले इनके मारे। यदि उन लोगों से कहते बंद कर दो तो वो बोलते हम तो यहीं से निकलेंगे। लगभग कितने समय हो गया भट्टे को चालू? सर मेरी शादी को 12 साल हो गए, इससे पहले से लग रहे हैं भट्टे तो कम बहुत 30-25 कितनी साल हो गए होंगे। तो क्या यहाँ पे ट्रैक्टर निकल के लड़ाई झगड़े फसाद ऐसा कुछ मामला आया है क्या आपके पास? नहीं, हमारे पास नहीं है, पर रास्ता जो मतलब हमने जाते जो जेंट्स लोग जाते हैं इन लोगों से वो झगड़ते हैं, क्योंकि हम कि हम तो यहीं से निकलेंगे, हम नहीं डाल रहे रोड़ा। ये लोग बोलते हैं रोड़ा डालो, हमारे रास्ता सुधारो, कि हम नहीं डाल रहे कुछ भी करो। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं रास्ता बन जाए, हमारे बच्चे स्कूल जाने लगे। बच्चे कब से स्कूल नहीं गए? बच्चे हमारे जून के महीने से अभी तक अगस्त वो अक्टूबर चल रहा है, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। किस कारण नहीं जा पा रहे? ये रास्ते के कारण। अगर ये रास्ता ठीक हो तो हम लोग गाड़ी या कुछ भी करके बच्चों को स्कूल भेज दिए। स्कूल नहीं जा, पैदल ही नहीं जा पा रहे, हम लोग नहीं निकल पाते पैदल। अगर सब्जी भी रख के निकले तो वो भी इसमें खच के रह जाती हैं। मेरा नाम संजय कुशवाहा है, मैं वार्ड। परेशानी है आपको? ये परेशानी ये है कि ये यहाँ पर नदी के पास निजी जमीन है कुछ प्रजापति लोगों की, लखन प्रजापति, विजय प्रजापति, मदन प्रजापति, हिम्मत सिंह प्रजापति और अपना प्रभु दयाल प्रजापति और आगे लक्ष्मी नारायण कुशवाहा जी का तो फिर भंडार है ही। उन्होंने पूरा किराए पे देखा, वो मस्त घर में एसी में सो रहे हैं और बाकी यहाँ पर किसान हो रहे हैं पूरे परेशान। पिछली बार अभी 6 महीने पहले क्या काम है कि यहाँ पर एक किसान के पाइप से पानी निकल गया था तो लक्ष्मी नारायण कुशवाहा जी ने उस किसान के पाइप काट दिए थे, पूरे 6-7 पाइप काटे थे उनके। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 30-35 फिट का अवैध खनन यहाँ पर चल रहा है नदी के किनारे। नदी बारिश के समय पर हमारे खेतों में आ जाती है। ये सरकारी जमीन है आपके पीछे क्या प्राइवेट जमीन? ये नदी के किनारे कुछ सरकारी जमीन है, इसके बाद फिर इनकी प्राइवेट जमीन। हाँ, ये प्राइवेट जमीन है, ये प्राइवेट जमीन है, लेकिन इसकी अनुमति किसी के पास नहीं है और किसी के पास इसका लाइसेंस भी नहीं है यहाँ तक मुझे मालूम है। और बाकी अगर इसकी परमिशन सरकार देती है या नहीं देती तो इस पर कृपया कलेक्टर महोदय जी से एवं अपना खनिज विभाग अधिकारियों से निवेदन है कि इस चीज़ को देखा जाए और इस पर कार्रवाई की जाए, जांच कर उचित से। कितना खोद दिया इन्होंने? इन्होंने 30-35 फीट के समथिंग तो इन्होंने वास्तविक जो है ना ऊपर गहराई, हाँ गहराई इन्होंने जो है ना 30-35 फीट गहराई ली है और लगभग इन्होंने खुदाई की है पूरे क्षेत्र की। मैं आपको बताऊं तो इन्होंने पूरे क्षेत्र में 200-250 बीघा जमीन खोद के ये खा चुके हैं। अब यहाँ पर चारों साइड आप इस क्षेत्र में कहीं भी जाएंगे तो कहीं भी किसी के किसान के पास, निजी जो भूमि वाले हैं उन किसानों के पास आज इनके पास जगह है ही नहीं है, रास्ते ही नहीं है, इनके साधन नहीं आ पा रहा है, हार्वेस्टर नहीं आते, ठीक है थ्रेसर नहीं आती, ये फसल अपनी आके खड़ी है तैयार, लेकिन अब इनको अपन काट नहीं सकते क्योंकि साधन ही नहीं है। लेबर ला के हमने इसको कटवा ली है, लेकिन अब हम 20-25 दिन बाद इनको रास्ता सूखेगा, फिर इसको सुधारेंगे, फिर इसके बाद यहाँ साधन आएंगे तो हम कभी इस चीज़ से जो है ना किसानी अपनी। लगभग कितने लोगों का परिवार होगा जहाँ पर? यहाँ पर परिवार 10-12 लोगों का परिवार है, बाकी कुछ लोग अपने। किन किन घटनाओं का सामना करना पड़ता है यहाँ पर? कई प्रकार की घटनाएं होती हैं, जैसे कि हर किसी भी किसान का चीरा टूटना, तार फेंसिंग टूटना। अभी हाल ही में मैंने आपको बताया है कि मेरी खेत की मेड़ ही तोड़ दी। अभी जो है ना छोटे छोटे हमारे मेड़ पे पेड़ लगे हुए थे, ये जीसीबी से उखाड़ के इन्होंने फेंक दिया। काफ़ी घटनाएं हैं इसमें और बाकी। और जैसे ये रोड से बच्चे वगैरह निकलते हैं उनको भी दिक्कत? ये दिक्कत आती है और सभी लोगों को दिक्कत आती है, यहाँ गाय भैंस वगैरह सभी को दिक्कत आती है, सभी के साथ कुछ हादसे कुछ ना कुछ होते रहते हैं। यहाँ पर ये रास्ता है, ये रास्ता खेती के लिए है, ना कि किसी के भट्टों के लिए। ये रास्ता जो है ना हमारी निजी भूमि में है, किसानी कृषि कार्य के लिए ये रास्ता अपना प्रकरण में दिया गया है और ये प्रकरण मैंने सारे निकलवा लिए हैं। इस पर अब मैं FIR करने के लिए तैयार हूँ। अब मैं इस पर FIR करके और यहाँ पर किसी भी व्यक्ति के बगैर परमिशन एवं बगैर लाइसेंस के मैं यहाँ किसी को आने भी नहीं दूंगा, ये मैं इतना रोकूंगा। इस बीच मुझे जो है ना जान से मारने की धमकी भी दी गई है,
मैं जब इनको रोकता हूँ तो इन्होंने मुझसे हमारे आपसी वाले लोगों से इन्होंने कहा है कि मैं इसका मर्डर कर दूंगा। ये लक्ष्मी नारायण कुशवाहा जी ने कहा है कि मैं संजय कुशवाहा का मर्डर करूंगा। इसी बीच इस तरह की कई घटनाएं हैं, कई चीज़ों का सामना मुझे करना पड़ता है। और नाम है आज मेरा नाम तिलक सिंह कुशवाहा है जी। जी किसके जनों के भट्टे लगे यहाँ पे? यहाँ पे साहब लखन प्रजापति, विजय प्रजापति, मदन प्रजापति, हिम्मत प्रजापति और महेश प्रजापति, मुकेश प्रजापति, संतोष प्रजापति और अहरवार लोग भी हैं कुछ, हरिराम अहरवार, राम सिंह अहरवार, इन लोगों के भट्टे यहाँ पे चल रहे हैं। ये लोग कुछ मोहनगिरी में रहते हैं साहब, कुछ क्या बोलते हैं अपने लड्डा एजेंसी के पास रहते हैं, लखन विजय लड्डा एजेंसी के पास में रहते हैं। साहब वो हमारी रास्ता ख़राब करते हैं, हम उनसे कहते हैं साहब या तो ये रास्ता सुधारो आप, वो नहीं यहाँ से आप निकलो मत, तो साहब वो नहीं मानते, हमसे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो तो ये कहते हैं हम तो यहीं से निकलेंगे, तुमसे जो बने वो कर लो। लगभग कितने वर्ष हो गए ये भट्टे चल रहे हैं? बहुत वर्ष हो गए साहब, 25-30 साल से चल रहे हैं साहब। और कोई वरिष्ठ अधिकारी संबंध? कोई नहीं आता साहब, जहाँ कोई नहीं आता, ना खनिज विभाग वाले आते हैं, ना कोई पुलिस अधीक्षक यहाँ आकर देखता है साहब, ना कलेक्टर साहब के पास में इसकी कोई शिकायत पहुँचती है। और मेरा कलेक्टर साहब महोदय जी से यही विनती है मेरी कि हम इतने परिवार वाले यहाँ पे रह रहे हैं। तो लगभग कितने परिवार के लोग होंगे? कम से कम 100 लोग हैं यहाँ पे, 6-7-8 परिवार रहते हैं साहब यहाँ। आपके बच्चों को स्कूल वगैरह जाने? बिल्कुल, बहुत परेशानी होती है साहब, 4 महीने तो बिल्कुल बच्चे हमारे घर से जा ही नहीं पाते, अभी भी अब्सेंट ही लग रही हैं भाई, प्रेजेंट नहीं लगती है साहब स्कूल में हमारी, बिल्कुल मारी जाती है साहब। और इधर से कितने किलोमीटर? यहाँ से 3 किलोमीटर से है साहब, वहाँ तक क्या होता है हमारे बच्चे भी जाते हैं, तो ये ट्रैक्टर चलती है जो भट्टों वालों के, उनसे बहुत समस्या होती है बच्चों के लिए, क्योंकि उस वही रास्ता है बच्चों को निकलने का, वही रास्ता है ट्रैक्टर निकलने का। आपने मना किया तो उनको क्या बोल रहे हैं साहब? हम मना करते हैं तो वो लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, कहते हैं हम तो यहीं से निकलेंगे, तुमसे जो बने वो कर लो। अच्छा, हाँ ऐसी धमकी देते हैं साहब? और क्या क्या कहते हैं? बहुत साहब बहुत सी गाली गलौज भी करते हैं जो हम बता नहीं सकते आपको साहब, किस प्रकार से बकते हैं साहब वो। हम हमारी तो यही विनम्र निवेदन है कलेक्टर साहब से कि इस बात पे साहब रोक लगाई जाए, इस पे ध्यान दिया जाए, थोड़ा सा इस पे कार्रवाई की जाए साहब, हमारे बच्चे और हम लोग कहाँ से लड़ेंगे साहब, बच्चे पाले के उन लोगों से लड़ेंगे हम, रास्ते के कारण कैसे लड़ेंगे साहब। क्या नाम है आपका? समंदर सिंह कुशवाहा। कुशवाहा जी कहाँ के निवासी हैं? हम शिव शक्ति पेपर मिल के पास रहते हैं, यहाँ पे अपनी जमीन है। कौन सा इलाका कहलाता है ये? दातपुरा कहलाता है, जत्रापुरा के आगे दातपुरा, वार्ड नंबर 2 जी। क्या परेशानी है जो आप एकजुट होकर जहाँ इकट्ठे? ये सर रास्ता की वजह से खड़े हुए हैं, ये रास्ता बहुत कम से कम यहाँ से 3 किलोमीटर, ये बहुत खतरनाक रास्ता होगा, ये भट्टों वाले पूरी रास्ता ख़राब कर रहे हैं सर, और अपन उन्होंने के लिए रोकने कहते हैं रुकते नहीं है, लड़ने के लिए तैयार होते हैं साहब, ये भट्टे रुकवाए जहाँ सर। किसके चल रहे हैं भट्टे? ये ठेकेदारों के चल रहे हैं, नाम बता दें आपके लिए, विजय लखन, हिम्मत सिंह, ये सब यही विदिशा में रहते हैं। बोल दो।